इस बीच एक और बड़ी जानकारी, उमेश पाल की हत्या के 49 दिन बाद असद का एनकाउंटर। झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और आज 12 से 1 के बीच ये खबर सामने आई दोपहर में। झांसी में असद के साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर हुआ। ये तस्वीरें उस एनकाउंटर की आप देख रहे हैं, अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम, किस तरह से ये एनकाउंटर अंजाम दिया गया। UPSTF ने असद और गुलाम का एनकाउंटर किया। इस बीच जब इस बात की जानकारी अतीक को मिली तो वो बेहोश हो गया, मारा गया अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद का बेटा। और झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें शूटर गुलाम को भी मारा गया है। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को UPSTF ने मुठभेड़ में मार गिराया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही ये दोनों फरार थे। 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। उमेश पाल मर्डर केस में फरार चल रहा माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद मिट्टी में मिल गया है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने आज एक मुठभेड़ में असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को ढेर कर दिया। ये एनकाउंटर झांसी के बड़ा गांव में परीक्षा डैम के पास हुआ। तस्वीरें उसी एनकाउंटर वाले स्थान की हैं। देखिए, एक ओर असद अहमद ढेर पड़ा हुआ है तो दूसरी ओर उसका साथी और शूटर गुलाम मोहम्मद है। दोनों के बीच बाइक पड़ी है, असद के हाथ में पिस्टल भी है। पुलिस को इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जिन 5 शूटर्स की पुलिस को तलाश थी उनमें ये दोनों भी शामिल थे। असद और गुलाम दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही ये फरार थे। एसटीएफ 24 फरवरी के बाद से लगातार इन्हें ट्रेस कर रही थी और झांसी में इनकी लोकेशन मिलने पर पुलिस ने एक ऑपरेशन में इन्हें मार गिराया। झांसी में DSP नवेंदु और DSP विमल के नेतृत्व में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इन्हें मुठभेड़ में ढेर कर दिया। असद और गुलाम एनकाउंटर पर यूपी पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि असद और गुलाम अतीक को छुड़वाने के लिए पुलिस काफिले पर हमला करने की फिराक में थे। असद के एनकाउंटर के बाद स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी पुलिस माफियाओं को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि असद किसी भी तरह अपने पिता और चाचा को छुड़वाना चाहता था, इसलिए असद और शूटर गुलाम अतीक अहमद को ले जा रही पुलिस टीम पर हमले की तैयारी में था, लेकिन यूपी पुलिस के पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की वजह से उनकी साजिश नाकाम रही। इस तरह के सूचनाएं थी कि इनको इनके कॉन्वॉय पे हमला करके पुलिस वालों को ओवर पावर करके या उस अटैक में वो कुछ भी कर सकते थे, ये अपने बदमाश को छुड़ा सकते। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे, क्योंकि जब कोई मूवमेंट इस तरह के अपराधियों का होता है तो पुलिस इस मामले में बहुत ही सजगता बरतती है और लगातार वरिष्ठ अधिकारी इसका अनुश्रवण कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाता है।